अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है रियाजुल्ला और आप लोग देख रहे हैं हुपी के टेलीकम्युनिकेशन। दोस्तों, iCenterEx मोबाइल एप्लीकेशन की ये तीसरी वीडियो है और तीसरी वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह iCenterEx मोबाइल एप्लीकेशन में किसी प्रोजेक्ट को चेंज करते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर मेरा प्रोजेक्ट है 2019 और मुझे टास्क क्रिएट करना है 2020 में, तो हम किस तरह 2019 को 2020 में स्विच कर सकते हैं। इसी तरह अगर मुझसे टास्क मांग रहे हैं 2021 में और प्रोजेक्ट ऑलरेडी सेलेक्टेड है 2020 में, तो मैं किस तरह 2020 से 2021 में प्रोजेक्ट स्विच करूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट स्विच करने का तरीका सीखेंगे, प्रोजेक्ट चेंज करने का तरीका सीखेंगे। तो चले जी, टाइम वेस्ट के बिना हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और एप्लीकेशन खोलते हैं। अच्छा फ्रेंड, जिस तरह के पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि iCenterEx मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करने के लिए आपने ये ख्याल करना है कि आपका मोबाइल डेटा और लोकेशन ऑन होनी चाहिए। जिस तरह के आप देख सकते हैं, मोबाइल डेटा और लोकेशन दोनों ऑन है। अगर आपके पास सिम में इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो तो आप इसको दूसरे मोबाइल या वाईफाई राउटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड, तो अभी मैं आता हूँ, iCenterEx एप्लीकेशन खोलता हूँ। iCenterEx एप्लीकेशन खोलने के बाद जब प्रोजेक्ट आप लोग चेंज करेंगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस नज़र आएगा। तो आपने इधर वर्कबेंच पर क्लिक करना है। वर्कबेंच पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने iEPMS पर क्लिक करना है। iEPMS पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो थोड़ा सा आपने वेट करना है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन फास्ट हो तो ये जल्दी जो है ना वो लॉगिन हो जाएगा। और अभी आप देख सकते हैं मई साइट्स ऑलरेडी सेलेक्टेड है। आपने इसमें ये दरमियान वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, iCenter, ठीक है। iCenter जब आप लोग क्लिक करोगे तो ऊपर आप ये देख सकते हैं, एक मिनट में आपको हाईलाइट करता हूँ, ये आप देख सकते हैं सीएम पार्क 2021 लिथियम पावर लेकर हुए। अभी मैं एग्जांपल के तौर पर 2021 ऑलरेडी सेलेक्टेड है, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ 2020 में। तो मैं किस तरह चेंज करूँगा, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है, ऊपर जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है सिम पैक 2021 लिथियम पर आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप ये नीचे देख सकते हैं व्यू हिस्ट्री में ये हमारे साथ आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सिम पैक 2021 लिथियम पावर प्रोजेक्ट, ये ऑलरेडी ब्लू, इसका कलर ब्लू सा है, जो ये ब्लैक है ना ये सेलेक्टेड नहीं है, और ये जो ब्लू है ये ऑलरेडी सेलेक्ट किया। आपने मई प्रोजेक्ट में आना है। मई प्रोजेक्ट में आने के बाद जिस तरह के मैंने आप लोगों को बता दिया, सिम पैक 2021 लिथियम पावर प्रोजेक्ट सेलेक्टेड है, आप ये देख सकते हैं इसका कलर ब्लू है, ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है। मैंने इसको स्विच करना है 2020 में, तो मैं किस तरह स्विच करूंगा, आपने इस पर क्लिक करना है। जिस तरह कि आप ये देख सकते हैं 2020 प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। इस पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं 2020 प्रोजेक्ट में ये चेंज हो गया। अभी आपने 2020 में पोल डाउनलोडिंग करने हैं। डाउनलोडिंग का तरीकाकार मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में दिखाया था, पहली वीडियो। अगर आप लोगों को डाउनलोडिंग का तरीका नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक डाल दूंगा, आप उधर से डाउनलोडिंग का तरीका सीख सकते हैं। इधर मैं सिंपल आप लोगों को बताता हूँ कि जब ये 2020 में स्विच हो जाए तो आप लोगों ने पोल डाउनलोडिंग किस तरह करना है, कि आपने सिंक डेटा पर क्लिक करना है। जिस तरह के आप देख सकते हैं सिंक डेटा पर क्लिक करता हूँ तो आपने फिर आल पर क्लिक करना है और डाउनलोड आल करना है। अभी इसका आपने वेट करना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बेस डेटा पोल डाउनलोड हो चुका है, टास्क डेटा भी पोल डाउनलोड हो चुका है, और सेट डेटा और मटेरियल डेटा अभी पेंडिंग में है, ये अभी हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो आपने इसका वेट करना है जब तक ये 100% कंप्लीट हो जाए, सेट डेटा और मटेरियल डेटा। तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो है ना 2020 प्रोजेक्ट में पोल डाउनलोड हो गया। अच्छा फ्रेंड्स, अभी एग्जाम्पल के तौर पर मैं 2020 से 2019 में प्रोजेक्ट चेंज करना चाह रहा हूँ। 2020 से 2019 में हम किस तरह चेंज करेंगे, तो तरीका वही है, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। जिस तरह की आप लोग ये देख सकते हैं 2020 इम्पैक्ट, ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने मई प्रोजेक्ट में आना है। मई प्रोजेक्ट ये तीसरे नंबर पर आप लोगों को ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, लेफ्ट साइड से तीसरे नंबर पर आप लोगों ने मई प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। मई प्रोजेक्ट पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो मेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी सेलेक्टेड है 2020, ये ब्लू कलर में आप देख सकते हैं, मैंने इसको चेंज करना है 2019 में। तो आपने ये नीचे वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। इस पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो ये खुद बहुत ऊपर चेंज हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस वीडियो में प्रोजेक्ट चेंज करने का तरीका सीख चुका होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे आने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पी के टेलीकम्युनिकेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।